It's all about humanity. तो गाइस यार, जब अपन लोग छोटे थे तो अपन लोग ये वाला हवाई जहाज उड़ाया करते थे, लेकिन गाइस यार अब अपन लोग जो है काफी बड़े हो गए हैं। तो गाइस यार अपना जो हवाई जहाज है वो भी काफी बड़ा होना चाहिए ना। तो गाइस यार पेश है आपके सामने अपने लेवल का काफी बड़ा हवाई जहाज, और गाइस इस चीज को हमने घर पर ही बनाया है। गाइज यार देखने में ये चीज़ जितनी आसान लगती है, रियलिटी के अंदर ये उतनी आसान नहीं है। गाइज इसे बनाने में हमें ढेर सारी मेहनत और 2 से 3 दिन का वक्त लगा, और ऐसा हमने सिर्फ आप लोगों के लिए किया ताकि हम लोग आप लोगों के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान ला सके, आप लोगों को खुश कर सके। तो गाइज यार हमारी इस मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइज यार आप फटाफट से एक प्यारी सी स्माइल के साथ में चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, उस घंटी बटन को दबा दीजिए, और मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि हमने इस चीज़ को किस तरीके से बनाया। गाइस यार किसी भी हवाई जहाज को हवा में उड़ाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हवाई जहाज है वो एरोडायनेमिक्स के सभी नियमों का पालन करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हवा में वो सही से नहीं उड़ेगा और नीचे गिर जाएगा। तो गाइस यार अपने हवाई जहाज के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमने पहले ही कंप्यूटर के अंदर हमारे जो हवाई जहाज हम बनाने वाले थे उसका 3D मॉडल बनाया, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हमने पहले ही ये डिसाइड किया कि उसके फिन्स कैसे होंगे, उसका जो डिजाइन है वो कैसा होगा, रियर फिन्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें। तो गाइस यार ये है हमारा फाइनल मॉडल, और इसी के हिसाब से हमने हमारा जो रियल प्लेन है उसे बनाया, और सबसे पहले हमने हवाई जहाज की मेन बॉडी बनाई, और उसके लिए हमने इस्तेमाल में लिया इन बांस की लकड़ियों को, क्योंकि गाइस यार ये जो लकड़ियां हैं ये काफी ज्यादा लचीली होती है, काफी ज्यादा मजबूत होती है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा हल्की होती है। और हमने हवाई जहाज की मेन बॉडी बनाते टाइम इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हम उसे जितना हल्का हो सके उतना हल्का बनाए। तो गाइस यार पेश है आपके सामने हमारे हवाई जहाज की मेन बॉडी। के बाद हमने इसकी बाहरी बॉडी बनाई इस पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये काफ़ी हल्की है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ये बेसिकली एक टेबल कवर है। लेकिन इसकी बाहरी बॉडी बनाते टाइम हमने एरोडायनेमिक्स का पूरा ध्यान रखा ताकि हमारा जो हवाई जहाज है वो हवा में उड़े, ना कि इधर उधर क्रैश होता फिरे। और गाइज यार हमने जो है इस हवाई जहाज के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हमने इसे इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम इस हवाई जहाज को किसी पतंग की तरह धागे से उड़ा सके, और इसका जो पूरा कंट्रोल है वो भी अपने हाथों के अंदर हो, जिस तरीके से पतंग का होता है। तो गाइज यार बेसिकली ये एक हवाई जहाज वाली पतंग हो गई। तो गाइस यार सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, अब बस देरी है तो इसके ऊपर धागा बांधने की और इसका रियल टेस्ट लेने की, क्योंकि अभी तक जो भी अपन ने बातें की, जो भी अपन ने किया वो सब थ्योरी थी, अब फटाफट से इसका प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं।
तो गाइज यार इस पतंग को उड़ाते वक्त अपने हाथों पर इस रस्सी का जो दबाव पड़ेगा वो सच में काफ़ी ज़्यादा होगा और इससे अपने को कट वगैरह भी लग सकते हैं, तो हमें इसके लिए ग्लव्स भी पहन लेने चाहिए। और साथ ही साथ गाइज मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये जो चीज़ें सच में उड़ेगी या फिर नहीं उड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो प्लीज़ यार आप लोग भी ये दुआ करना कि हमारी जो पतंग है वो सक्सेसफुली हवा के अंदर उड़ जाए। और गाइज यार इस वीडियो को भी लाइक कर देना, हम आपके लिए इतने अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला के मतलब लेके आते रहते हैं, हमें भी अपनी मेहनत का जो फल है वो मिल जाएगा। तो इसका लाइक एम रखते हैं 2 लाख लाइक्स, मुझे पता है आप कर दोगे, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करो और हम इसे उड़ाने की पूरी तैयारी करते हैं। अरे वो रस्सी बच गई, अरे रस्सी बच गई। गाइस तो यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अपनी जो मेहनत है वो रंग लाई और अपनी पतंग जो है किस तरीके से कमाल से उड़ रही है, और इसका पूरा कंट्रोल अभी मेरे हाथों के अंदर है। और इसे उड़ाना जो है पतंग से काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हवाई जहाज और पतंग, इसको अगर अपन रस्सी को छोड़ देते देखना हवाई जहाज कितना उड़ेगी, देखना वो हवाई जहाज गई अपनी, देखो 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 गई हवाई जहाज कितना उड़ रही है अभी देखो। और ये पतंग बन गई वापस, जैसे ही मैंने डोर को पकड़ा फिर से पतंग बन गई। जो इलेक्ट्रॉनिक हवाई जहाज होती है जो मार्केट में मिलती है, उनकी दिक्कत ये होती है कि उनकी बैटरीज ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप इसे जितनी देर चाहे उतनी देर उड़ा सकते हैं। देख सकते हैं कि पतंग कितनी स्टेबल तरीके से, आई मीन हवाई जहाज यार देखो कैसे गोते गा रही है हवा के अंदर। ओ वो गई अरे जान दे, लूं मत ओए भाई, लपेट दे। अरे ये वो बेड़ा नहीं है जो रस्सी ऐसे खींच रहे हो, और जाने दे ऊपर जाने दे। अरे वो चटकली उड़ रही है, उस चटकली के पास जाने दे। अरे उस चटकली के पास जाने दे पतंग को, जाने दे। अरे रस्सी छूट गई क्या? अरे आगे। अरे जाने दे। ऊपर गई। ऑलराइट गाइस, तो यार कमाल की पतंग है, हम इसे छोड़ भी दें तो भी ये नीचे नहीं आएगी। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हवाई जहाज भी पतंग भी है,
अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हवाई जहाज की तरह उड़ती रहेगी, और डोर खींचेंगे तो पतंग की तरह ऊपर जाएगी, पेचे लड़ेगी। मजा आ गया यार। तो वैसे यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय भारत।